उसमें कोई तथ्य नहीं, उसमें कोई वैरायटी नहीं है, ऐसा ऑब्जर्वेशन माननीय न्यायमूर्ति ने किया है। ये आरोप जो लगाए हुए है, मेरे ऊपर इल्जाम लोग लगाए हुए है, सब बेबुनियाद है। परमवीर सिंह ने जो मेरे पर 100 करोड़ का आरोप लगाया था, उसने खुद एफिडेविट करके दिया न्यायमूर्ति के सामने, चांदीवाल साहब के सामने, कि मैंने जो 100 करोड़ का आरोप अनिल देशमुख के ऊपर लगाया था उसमें कोई सच्चाई नहीं। जो मैंने आरोप लगाया था अनिल देशमुख के ऊपर 100 करोड़ का, वो मैंने हेयर से के ऊपर, सुनी सुनाई बातों के ऊपर लगाया था। मेरे पास उसका कोई सबूत नहीं, ऐसा एफिडेविट खुद परमवीर सिंह ने दिया। उसी प्रकार सचिन वजे ने जो आरोप लगाए थे उसके बारे में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति साहब जो थे, उन्होंने खुद अपने जजमेंट में ऑब्जर्वेशन किया है कि सचिन वजे के ऊपर उसका जो बैकग्राउंड है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड है। उसको अभी तक दो खून के गुने में गिरफ्तार किया गया है। 3 बार उसको शासन ने सस्पेंड किया है। मुकेश अंबानी साहब के घर के सामने जो गिलेटिन या बॉम्ब जो रखा गया था, उस सिलसिले में एनआईए ने उसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया है करके ऐसे, जिसकी क्रिमिनल बैकग्राउंड जो आदमी का है, जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है ऐसा सचिन वजे, उसने जो बयान दिया है उसके ऊपर विश्वास कर नहीं सकते। इस प्रकार का ऑब्जर्वेशन माननीय कोर्ट ने दिया है।